नमस्कार साथियों, मैं हूं पत्रकार विभास यादव और आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला इन दिनों चर्चा में चल रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए और खबरों और चैनलों के जरिए आप लोगों को जानकारी हुई है कि देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई, जमीनी विवाद में हत्या हुई थी, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव और गांव के ही उनके सत्यनारायण दुबे के पूरे परिवार के 5 लोग और प्रेम यादव को लेकर 6 लोगों की हत्या हुई थी, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी जिसकी चर्चा चल रही है। आज उस खबर में मैं कुछ बातें लेकर आपके साथ आया हूं और उसमें एक नई खबर ये है कि जो मुख्य आरोपी था सत्यनारायण दुबे परिवार पर गोली चलाने वाला प्रेम यादव का ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बताते हैं कि देवरिया के रुद्रपुर जो थाना है उसमें फतेहपुर के एक लेहड़ा टोला बस्ती है, उसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव का जमीनी विवाद जो है सत्यनारायण दुबे के से चल रहा था। 2 अक्टूबर की घटना है। सुबह बताते हैं कि प्रेम यादव समझौता के लिए सत्यनारायण दुबे के यहाँ गए थे, उसी में उनकी किसी बात पे विवाद पे उनकी हत्या हो जाती है, जिस पर आक्रोशित लोगों ने भीड़ ने घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें सत्यनारायण दुबे के 5 परिवारों पर 5 सदस्यों की उनकी पत्नी बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। कुल 6 लोगों की मौत होने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला जग गया था, लेकिन अब इसमें पुलिस प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर पुलिस ने प्रेम यादव के ड्राइवर, जो कि कहते हैं उनका अंगरक्षक भी था, भवनाथ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और असलाह के साथ गिरफ्तार किया है और इसी के साथ 20 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि इस घटना में जो 3 राउंड फायरिंग भी हुई थी वो भवनाथ मिश्रा द्वारा की गई थी। ये घटना बताते हैं कि जब प्रेम की हत्या की खबर मिली तो प्रेम यादव के पक्ष से तरफ से, जिसमें उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड कहें तो उनका अंगरक्षक भी शामिल था भवनाथ मिश्रा, लोगों के साथ पहुंचकर फायरिंग की थी, जिसमें सत्यनारायण दुबे के 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस हत्या के बाद पूरे सूबे में एक सनसनी फैल गई। बड़े बड़े नेता ट्वीट करते रहे, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी आए, स्थानीय बीजेपी नेता भी सत्यप्रकाश दुबे के घर पे गए, प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी की जा रही है, उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। वही प्रेम यादव का परिवार एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी शासन प्रशासन पर लगा रहा है। मृतक प्रेम यादव की बेटियां जो है शासन प्रशासन पर आरोप भी लगा रही हैं। फिलहाल उनके वकील कोर्ट में भी गए हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा जो जारी किया गया था वहां गए हैं कि हमको समय दिया जाए, ये सब चीज़ों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही निकली है कि मुख्य आरोपी भवनाथ मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इसके साथ 20 अन्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी 27 जो नामजद आरोपी हैं उसमें से भवनाथ मिश्रा को लेकर 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी 6 नामजद और 50 अज्ञात को पुलिस अभी खोज रही है। और पुलिस का ये दावा है कि 10 लोगों को जो अज्ञात हैं उनको चिन्हित भी कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने जातीय संघर्ष दिखाने का प्रयास भी किया है। राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकते ही हैं, तो उसका भी प्रयास किया गया है, लेकिन यह एक महज जमीनी विवाद है, जिसको अगल बगल के लोगों ने बताया भी है। जहां प्रेम यादव के बारे में कहा जाता है कि वह दबंग है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग यह कहते हुए आगे निकले कि नहीं, प्रेम बहुत अच्छे थे। कौन अच्छा था कौन बुरा था इस चीज में हमको नहीं पढ़ना है या आपको लोगों को नहीं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह उठता है प्रशासन की कहीं ना कहीं ये लापरवाही थी जो इतनी बड़ी घटना हो गई। फिलहाल
मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, कईयों पर गाज भी गिरी है, बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो रही है, जमीन की मापी भी कराई गई है। अभी इसमें इस घटना के पीछे की जो है वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम यह आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस घटना का मुख्य आरोपी जो भवनाथ मिश्रा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।